थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ट्रू है या फॉल्स है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने का सीधा सीधा सा मतलब देखिएगा, डी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है कि ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और डी लेस देन जीरो होना चाहिए, हाँ तब ये ट्रू हो सकता है, तब ये ट्रू होगा, तब ये ट्रू होगा। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं बात को, तो ए इसका है थ्री और बी इसका है फोर और सी इसका है फाइव। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ए इसका ग्रेटर देन जीरो है पहली कंडीशन। दूसरी डी की बात करते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का मतलब है फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इंटू फाइव, तो ये हो गया सिक्सटीन माइनस सिक्सटी, तो नेगेटिव आ गया डी। डी क्या आ गया इसका, डी क्या आ गया, डी आ गया है इसका नेगेटिव। जो हम चाह रहे थे वो कंडीशन हो गई है, जो हम चाह रहे थे वो कंडीशन हो गई है। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये क्या होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और वो है तो ये क्या है, ट्रू है।